अपने शत्रु की बेटी से करवाया था श्री कृष्ण ने अपने बेटे का विवाह, जानते हैं क्यों? अगर शत्रु की ओर से देखा जाए तो इनमें से ऐसी लीलाधर, मुरली मनोहर, नंदलाल और जुड़ी से बहुत सी ऐसी रोचक दिलचस्प कथाएं मिल जाएंगी। एक ऐसी ही कथा लेकर आए हैं जिनके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। महाभारत में ऐसे पात्र हैं जिन्हें कोई नहीं भूल सकता और उन्हीं में से एक है दुर्योधन का नाम। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण और दुर्योधन विरोधी थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कौरवों के नहीं बल्कि पांडवों के साथ थे और जिनके प्रणाम स्वरूप दुर्योधन व श्री कृष्ण एक दूसरे के शत्रु थे। और जब हम अपने किसी दुश्मन की बात करते हैं तो हम उसके बारे में हमेशा बुरा बोलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बात श्री कृष्ण जी की हो रही है। तो जो अपने दुश्मनों को भी कभी बुरा नहीं मानते थे और बल्कि उन्हें वरदान दे देते थे। और एक ऐसा ही किस्सा है जो दुर्योधन से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक श्री कृष्ण ने अपने बेटी की शादी दुर्योधन की बेटी से करवा दी थी और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि कृष्ण पांडवों के साथ हितैषी थे। तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को धर्म और शांति के मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध मानते थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बावजूद भी क्यों श्री कृष्ण ने अपने पुत्र की शादी दुर्योधन की पुत्री से करवाई थी? तो इसके पीछे भी कुछ असल कारण आज हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम साप था और दुर्योधन की पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। और कथाओं के मुताबिक साप और लक्ष्मणा एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, मगर लक्ष्मण के पिता यानी दुर्योधन इन दोनों के प्रेम के खिलाफ थे और उन्होंने लक्ष्मणा का स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन इस स्वयंवर में उन्होंने यादवों को अमर्तित नहीं किया। और जब श्री कृष्ण के पुत्र साप को स्वयंवर का पता चला तो वह भरी सभा में से लक्ष्मणा का अपहरण करके उसे ले गया, जिसके बाद दुर्योधन ने सेना के साथ साप का पीछा किया और उसे पकड़कर बंदी बना दिया। तब श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम वहाँ पहुँचे और दुर्योधन को खूब समझाने की कोशिश की, मगर फिर भी दुर्योधन नहीं माने, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्हें दुर्योधन और कौरवों को समझाते हुए कहा कि हमारी आपसी लड़ाई अलग है और बच्चों का प्रेम अलग है, और अगर ये दोनों साथ रहना चाहते हैं तो हमें अपनी दुश्मनी को भुलाकर इनके प्रेम का फैसले का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं कि ये बात सुनकर दुर्योधन और लक्ष्मण का विवाह साप के साथ करवा दिया था। तो ये थी श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला जो लोग बहुत ही कम जानते थे और आज हम इनके बारे में कुछ जान पाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। अगली वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री कृष्ण जी की जय।